हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकी गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका रेडिकल गुरु के चैनल में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कोरल ड्रॉ पर बिल बुक कैसे बनती है। जी हां, बिल बुक बनाने का तरीका। देखो, बहुत सारे लोग बिल बुक के लिए परेशान रहते हैं, अलग अलग जगह डिज़ाइन ट्राई करते हैं लेकिन कहीं नहीं मिल पाता। वो सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, जी हाँ, रेडिकल गुरु पर। तो इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर बार आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी जो है कोर्सेज के बारे में सिखा रहा हूँ। जैसे कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, आपको एक्सेल, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टैली वगैरह सब कुछ यहाँ पे एक ही प्लेस पे मिलेगा। आपको अलग अलग चैनल सर्च आउट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मैंने यहाँ पे कोरल ड्रॉ पहले से खोल के रखा है और यहाँ पे जो भी हमें बिल बुक बनाना है उसको भी मैंने स्टार्ट कर लिया है इस तरीके से। अब बिल का साइज़ क्या होना चाहिए, देखो, ये मैंने, ये सिर्फ एक इमेज है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केवल इमेज, लेकिन हमें बनाना कैसे है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पूरा का पूरा पेज है। एक बार ध्यान रखिएगा, जो भी पेज के ऊपर होता है वही प्रिंट होता है, वो बाकी नहीं प्रिंट होता। कंट्रोल पी, देखो मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रिंट निकलेगा कैसे। कंट्रोल F2 जरा करके देखिए, और यहाँ पे फाइल में जाके आप करेंगे प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, ये रहा प्रिंट प्रीव्यू, पे क्लिक कीजिए। तो आप देखो यहाँ पे कोई कुछ भी प्रिंट नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि पेज के ऊपर कुछ था ही नहीं, तो प्रिंट कहाँ से आएगा, राइट। तो इसको जो है अब मैं इसी को, जो इमेज है इसको मैं इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ आपको। अब दिखाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू, ये आ रहा है, लेकिन ये तो इमेज है और इमेज कभी भी कोरल ड्रॉ में सेट नहीं होती ढंग से, तो इसलिए हम इसकी विक्टर बेस इमेज बनाएंगे ताकि एडजस्टेबल हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बना के दिखाऊंगा और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, अगर आपके कोई ऑफिस है या अगर आप कोई डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर में भी, और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो भी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो साइज़ क्या होता है, नॉर्मली जो साइज़ होता है, पहले तो आप कोई भी रेक्टेंगल बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट साइज दिखेगा, यहाँ पे आप 5.5x8 कर लीजिए, तो ये बिल बुक का ये साइज़ होता है, जो बिल बुक होती है उसका ये साइज़ होता है, ठीक है। बाकी लोग अपने हिसाब से इसको साइज़ रख लेते हैं, तो आपको जो साइज़ रखना है आप वो साइज़ रख सकते हो, ठीक है। मैंने इसका साइज़ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और क्योंकि ये हाँ, ये A4 साइज़ नहीं है, ये बिल बुक का साइज़ है, ठीक है। आप इसको और अच्छा तरह कर सकते हैं, मैंने कहा 5.5 की जगह मैं कुछ और रखना चाहूँ तो कुछ और भी रख सकते हो, मान लो 6 रखना चाहोगे तो 6 भी रख सकते हो, ठीक है, ये वाला। अब मुझे यहाँ पे देना होता है कंपनी नेम, तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसके लिए आप F8 भी दबा सकते हैं। आपको टाइप करना है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट देखो याद रखना, कलाकारी इसमें नहीं है कि आप जो है केवल टाइप कर लो, सेट कर लो, कलाकारी होती है स्टाइल्स को सेट करने में, ठीक है। तो मान लो मैं कृष्णा इंस्टीट्यूट के नाम से एक बिल बुक तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, कृष्णा इंस्टीट्यूट, और मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या लेना पड़ेगा, इससे पहले आपको लेना पड़ेगा मार्जिन, ठीक है। मार्जिन कैसे लेते हैं, देखो ये रूलर दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ से इस तरह से लाइन ले लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लगा देंगे, और ये जो टेक्स्ट है आपको हमेशा टेक्स्ट इसके अंदर ही लगाना है। फिर यहाँ से मार्जिन ले लेंगे थोड़ा सा, एक बार इधर से भी, और इस तरह से मार्जिन लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी हम प्रिंट आउट निकालते हैं या कुछ निकालते हैं तो उसमें फैले नहीं, इधर उधर ना जाए, इसके लिए। अब शिफ्ट दबाकर इसको छोटा बड़ा करना हो तो शिफ्ट दबा के करना, उससे साइज़ में जो है एकदम क्लियरेंस आती है, देखो इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। याद रखना जो हेडिंग टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा ही होता है और बाकी टेक्स्ट छोटे होते हैं, ठीक है। कृष्णा इंस्टीट्यूट आ गया, अगर कोई स्लोगन है आपका तो वो आप डाल सकते हैं, और नहीं है तो आप सीधा सीधा एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने कहा कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम कृष्णा इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस है, तो मैंने इसको F8 कर दिया, और F8 करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से ये जो इंस्टीट्यूट वाली लाइन है ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, मैंने इसको कंट्रोल X किया, ठीक है, और करने के बाद अब मैं दोबारा इस पर ही प्रिंट कर रहा हूँ। इसी साइज़ पर अगर मुझे करना है तो कंट्रोल D करेंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट आ जाता है। F8 दबाइए, बैक कीजिए, टाइप कीजिए,
इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वो लगा लीजिए, ठीक है। देखो बहुत सारी चीज़ें जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, तो आप उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये लगाइए, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करना है आपको, ऐसे सेलेक्ट करके आप करेंगे सी, सी से हो जाएगा सेंटर। अब आपको पेज के सेंटर में रखना है, तो आप शिफ्ट दबा के पेज को सिलेक्ट कीजिए और कीजिए सी, तो ये जाएगा पेज के सेंटर में। देखा आपने, इस वाले को साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसका एड्रेस लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो एड्रेस लाइन भी इसी साइज की होगी, तो इसलिए कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से ना आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं, प्रेस F8, F8 करेंगे और जो भी हमारा एड्रेस है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। कृष्णा इंस्टीट्यूट का एड्रेस है ये, ठीक है, हमने इसको टाइप कर दिया यहाँ पे, स्ट्रीट नंबर 03, भजनपुरा। ये भजनपुरा वाला एड्रेस बाद में आएगा, पहले स्ट्रीट नंबर 3 से पहले भी एक एड्रेस आता है, इसको हम बोलते हैं, जैसे अगर आपका फर्स्ट फ्लोर पे काम है तो आप ना रखेंगे फर्स्ट फ्लोर, भजनपुरा दिल्ली, ठीक है। ये रखने के बाद इसमें हम कोड डाल देंगे दिल्ली का, जो भी कोड है, इस तरीके से, समझ में आया। इसको अगर सेंटर करना है तो हम क्या करेंगे, पिक टूल लेंगे, सबसे पहले ना ऊपर वाला सिलेक्ट करना है, फिर नीचे वाला सिलेक्ट करना है, ऊपर वाला नीचे वाले के सेंटर चाहिए ना। देखो जो फर्स्ट वाला होता है अगर वो सेकंड वाले के सेंटर में चाहिए तो ऐसे दबाते हैं, ठीक है, इस तरह से। देखो ये हो गया सेंटर, सेंटर हो गया। अब अगर इसका साइज थोड़ा सा और कम हो जाए, जैसे 15 है यहाँ पे, देखो 15 है, तो यहाँ से मैं इसको 15 की जगह पे मैं कर रहा हूँ 13 कर देता हूँ इस तरीके से, और फिर मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ साइज सेंटर, सेंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर में यहाँ पे देखो एड्रेस, एड्रेस लाइन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसको सेट करेंगे कैसे, फिर से लेंगे, अब ये वाला साइज़ आपको फिक्स रखना है, ठीक है, ये वाला साइज़ फिक्स रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसी साइज का डुप्लीकेट उठा लेंगे, शाबाश, ऐसे ही डुप्लीकेट उठा लिया, ठीक है। क्या करेंगे, F8 यानी कि एडिट करने के लिए, और अब हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह डालना है यहाँ पे, तो फ़ोन नंबर वगैरह डालने के लिए जैसे आपने फ़ोन नंबर डालना है, ये फ़ोन नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा स्प्लिटिंग के लिए आपको शिफ्ट के साथ एंटर के बैक स्पेस के बगल वाला बटन दबाना होता है इस तरीके से, ये देखो ऐसे, ठीक है, और नहीं तो आप कॉमा में भी लिख सकते हो इसको इस तरीके से, अगर एक से ज़्यादा नंबर है तो आप इसको कॉमा में लिख दो, 9312121539, ठीक है, या ठीक है, ये मैंने नंबर लिख दिया है अपना। अब इन दोनों नंबर्स को भी हम इसके सेंटर में कर देते हैं सी दबा के, ठीक है, ये सेंटर हो गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें ईमेल आईडी और हमें एड्रेस टाइप करना है, ठीक है, तो इसके लिए भी इसको उठा लेंगे, क्या करेंगे, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, शाबाश, यहाँ ले आएंगे F8, और फिर हमें ईमेल आईडी टाइप करनी है, तो मेरी ईमेल आईडी है कृष्णा KICS@gmail.com, और हमारी वेबसाइट है, तो वेबसाइट के लिए फिर से स्प्लिटिंग लेंगे, और वेबसाइट है तो www.krishnakics.mozilla.com, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको सेंटर करना है इसके, तो सीधा दबा के सेंटर हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से। अब ये हमारा हेडर बन के तैयार हो चुका है, ठीक है, क्या बन गया, हेडर, ठीक है। अब हेडर के बाद क्या करना है अपने को ये बनाना है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है बॉस, इसको बना लेते हैं पहले फटाफट, एक रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है, साइज वाइज आप नाप सकते हैं, ठीक है, मैं अभी इसको मैन्युअली इस तरह से कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, लेकिन ये देखो इसमें एडजस्ट भी हो गया, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ऐसे पूरा मिला लो आप, F10 दबाइए, F10, और यहाँ से देखो ये जो कोने राउंड हैं ये वाले ऐसे, और यहाँ से ऐसे, तो क्या करेंगे, आपको एक पॉइंट इस पर क्लिक करना है और इसको
इसको हल्का सा राउंड करना है, जैसे राउंड है, फिर इस पर क्लिक करेंगे, एक पॉइंट क्लिक कर लिया तो बाकी वाले पॉइंट जो है वो इस तरह से दिखेंगे, देखो ये दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे इसको ऐसे राउंड करना है, ज़्यादा राउंड नहीं करना, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा कि दोनों कोने बराबर हैं कि नहीं है, यहाँ पे जब जाओगे तो देखोगे, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे वो आ रहा है राउंड और कैसे कैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो होते हैं ना, ये फोल्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं इसको कर रहा हूँ, ये एकदम बराबर है, मैं एक बार फिर से ले लेता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया इस तरीके से, ठीक है, F10 लिया। देखो अभी यहाँ पे क्या है, 0-0 है, अभी यहाँ पे क्या है, सब कुछ 0-0 है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने फोल्ड किया इसको, कितना आ रहा है, 38। तो इधर से भी क्या लेना है आपको, मैनुअली इसको कर लो ऐसे, 38 रख लो मैनुअली, ठीक है। देखो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब हमें इसमें काम करना है, देखो ये जो है ये इसने क्या कर रखा है, इसने यहाँ पे आप रेक्टेंगल भी कर सकते हो और पेंसिल भी कर सकते हो, देखो कैसे, देखो ये लिया, और अगर इसके ऊपर ये रेक्टेंगल ऐसे बनाएंगे यहाँ पे, देखो मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, यहाँ पे इस रेक्टेंगल को इसको छोड़ दो, ठीक है, टूल ले लेंगे, बाहर क्लिक करो, F6 रेक्टेंगल टूल के लिए, ठीक है। एक बार देखो कोने भी राउंड तो नहीं हो गए ना, तो इसको जूम करके देख लो ऐसे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा राउंड हो रहा है ना, तो कोने को ठीक करेंगे, ठीक है, पहले कोनों को ठीक करेंगे, नहीं तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। क्लिक करेंगे यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है, क्योंकि कोने राउंड नहीं होने चाहिए, ऊपर वाले कोने राउंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ये जो निशान दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, क्लिक दबाएंगे और क्लिक दबा के इसको जितना बड़ा छोटा लेना है उस हिसाब से सेट कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे जैसा भी होगा, इस तरीके से सेट हो जाएगा ये, ठीक है। F3 करके जूम आउट होता है इसमें, ठीक है, F3 करके जूम आउट होता है, ये हो गया रेक्टेंगल, थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप लोग इसको बड़ा भी कर सकते हो ऐसे मैनुअली ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करेंगे, ये देखो इस तरीके से, फिर कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करेंगे, एक और आ गया, फिर कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करेंगे, एक और आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमने ये बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे इसमें है 1, 2, 3, 4 और इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, लेकिन ये पांचवा एक्स्ट्रा है, अपने को पांचवा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है यस स्मार्ट एड टूल, शिफ्ट के साथ एस करके आएगा, यहाँ से इसी के साइज का एक और यहाँ से लाइन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। और अगर तुम्हारी लाइन सीधी नहीं आती हो तो तुम कंट्रोल का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है, कंट्रोल का सहारा लेके बना सकते हो। देखो ये लाइन आ गई, अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बीच में एक लाइन बनानी है, यहाँ पे बीच में एक लाइन बनानी है, तो कैसे बनाओगे, वही शिफ्ट एस, ठीक है, और यहाँ पे बीचों बीच कंट्रोल दबा के या शिफ्ट दबा के, जब कंट्रोल दबा करो टेढ़ी होगी, शिफ्ट दबा करोगे सीधी आएगी, ठीक है। कुचड़ मुचड़ देखो ये इस तरीके से, ये स्मार्ट आर्ट होता है, ये आप अपना पेंसिल कैसा भी चलाओगे ये इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा, ये देखो, ठीक है। अब इसमें जो भी आपको लिखना है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इनवॉइस, वो आप कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे, उसका भी ट्रिक है, ठीक है। ये लेंगे, कॉपी ले लो इसकी, कंट्रोल डी उठाया, यहाँ गए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा आ रहा है, शिफ्ट दबा के छोटा करना बताया था, ठीक है, जूम कर लो, आ गया, क्लिक करेंगे, ठीक है। और अभी जादू हो जाएगा इसलिए देखते रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो जो है आपको लंबी बने, ठीक है, इसलिए मैं आपको काम सिखा रहा हूँ तो आप इसको ढंग से सीखो, क्योंकि सीखने वाली चीज़ें एक बार ही सीखी जाती है, बार बार नहीं। इनवॉइस ले लेंगे, ठीक है, जूम कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इनवॉइस तो उस साइड लिखा हुआ है, इसको उठा के उस साइड रख देंगे, ठीक है भैया। तो ये चला जाएगा इस साइड, बेटा आ जाओ उधर, आ जाओ मेरा मुन्ना, आ जाओ, आ गया, देखो, ठीक है भाई।
अब ये नेम एड्रेस इसको ले लेंगे यहीं से, इसको भी कॉपी कर लो ऐसे, ठीक है। एफेट टू एडिट नेम स्पेस डाल के, ठीक है भाई, बोल्ड नहीं करना है इसको, तो बोल्ड हटा देंगे इसका। इसके बाद इसी का डुप्लीकेट यहाँ ले आएंगे, नीचे एड्रेस वाली लाएंगे, एफेट टाइप करेंगे एड्रेस, इसके बाद फोन नंबर नीचे वाली लाइन में, यहाँ एफेट सेलेक्ट किया, कब कस्टमर का जो भी फोन नंबर है उसके लिए मैंने यहाँ पे डिटेल बना ली, फोन नंबर ब्रैकेट, इसी तरीके से बाकी का भी आप लिख लेंगे इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, GSTIN, ठीक है GSTIN, इसके बाद नीचे कर लो इसको, फिट इनवॉइस नंबर और नीचे आ जाएगी इनवॉइस की डेट, ठीक है मींस भाई लोग ये हो गया तैयार। अब इसके आगे हमें ये वाला बनाना है, ये वाला तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल क्लियर कट तरीका, क्योंकि अब ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, तो मैं फॉर्मेट तैयार करके आपको लोगों को फटाफट दिखा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। अब देखना जादू हो जाएगा नहीं तो, ये लिया पिक टूल ले लो, ठीक है ये लिया, देखो यहाँ पे ये लिया, राइट क्लिक कर दो, आ गया राइट क्लिक करके, फिर यहाँ से डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स इस तरह से, फिर यहाँ से HSN राइट क्लिक करके आ रहा है सब कुछ, ठीक है ये देखो क्वांटिटी रेट और अमाउंट के लिए बड़ा कॉलम, ठीक है। इस तरह ऊपर वाले में जो बड़े वाला बॉक्स है उसको सिलेक्ट करो, ये वाला ये लिया, यहाँ से ऐसे लिया ऐसे, ठीक है राइट क्लिक, समझ में आया। अब यहाँ से ये रुपए वाला बॉक्स है और इसके बाद ये टोटल वाला बॉक्स है, तो कैसे करेंगे, ये वाला बॉक्स लिया, ये उठाया यहाँ से, यहाँ रुपए वाला है, यहाँ लिया राइट क्लिक, फिर उसको उठाया नीचे सबसे नीचे, ठीक है आया समझ में। ये हमने दोनों बॉक्स राइट क्लिक करके लिए हैं, इनको आप छोटा बड़ा भी एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से, आ गया। ऐसे ठीक है, लेकिन ये एरिया हमारा बड़ा होना चाहिए तो बड़ा रख देते हैं, और अब इसके अंदर में ये सारा एरिया बनाना है ये वाला, तो कोई बात नहीं इसको लेंगे रेक्टेंगल को, ये सिलेक्ट करो राइट क्लिक करो, ठीक है ये आपका HSN कोड के बाद नीचे आ रहा है, तो ठीक इसके नीचे ऐसे राइट क्लिक करो, ठीक है। अब इसमें दो वैल्यू है, ठीक है टैक्स वैल्यू और SGST, ये आ गया। फिर इसी का कोड यहाँ पे जो बड़े वाला रेक्टेंगल है ये वाला, इसको उठाओ यहाँ ले जाओ टैक्स वैल्यू के नीचे, आ गया ये बन रहा है, दिख रहा है आपको। मैं इसमें टाइप नहीं करूँगा क्योंकि आपको मेरे को फॉर्मेट बताना है, ठीक है ये ले लिया। अब इसमें ये वाला बॉक्स, ये जो अब ये बन गया टैक्सेबल और SGST, अब यहाँ पे CGST और IGST के लिए दो ये रहे और एक ये रहा, तो अब क्या बनाएंगे, एक बॉक्स ले लेंगे इसको नीचे तक, ठीक है। लेकिन नीचे आप चाहते हो बराबर साइज में आए, तो उसके लिए आपको कंट्रोल दबा के रखना है, एक दो, ठीक है एक दो, यहाँ तीन है, ठीक है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। मैं आपको सारा साइज वाइज मैनेज करना सिखा दूंगा अभी,
एकदम से होता है साइज में, नहीं एकदम से चुटकियों में। ठीक है, ये लिखो, ये लेंगे इनको ऊपर करो, सारा मैनेज हो गया। ओके, अब यहां पर ये चीज हो गई मैनेज, ठीक है, ग्रेड टेबल तक सब कुछ मैनेज हो गया। अब अपने को क्या लिखना है, कस्टमर और कस्टमर का नेम और सिग्नेचर। तो इसको आप मैनुअली, आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे और आप यहाँ पर इसको टाइप कर लोगे, चाहे तो टाइप कर लो, चाहे तो वही कॉपी पेस्ट वाला तरीका आजमा लो। कॉपी पेस्ट वाले तरीके में क्या होता है कि आपको बार बार टेक्स्ट का साइज नहीं लेना पड़ता। यहाँ से उठाया, यहाँ रखा, कॉपी किया, F8 दबाया, F8 दबाया, टाइप करेंगे कस्टमर्स सिग्नेचर, ठीक है, इसी को उठाया पंटर लो और यहाँ पे इसको ऐसे टाइप कर दिया F8, और यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी या तो सिग्नेचर लिख दो केवल। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में देखना है ये सेंटर है कि नहीं है वर्टिकली। तो ऐसे ई दबा के वर्टिकली सेंटर के लिए ई दबाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे जो चॉकलेट वाला बॉक्स है अपना, उसको बना देंगे बड़ी खूबसूरती के साथ। पूरे पे है ना, इसको पूरे पे बना लो ऐसे, और यहाँ से थोड़ा सा साइज दे दो ऐसे, ठीक है, ये साइज एडजस्ट हो गया। यहाँ पे चॉकलेट कलर ले लेते हैं या तो कोई और जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो आप ले लो। डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, ओके, ये देखो ये इस तरीके से आ गया। अब इन सबको, ये जो फॉर्मेट है यहाँ से लेकर, इन सबको सिलेक्ट करो और विद इन अ मार्जिन इसको सेट करना है, शिफ्ट दबा के सेट कर लो। ठीक है, अब जो भी तुम्हें साइज रखना है वो तुम साइज रख लो यहाँ पे, जैसे कि मैंने रखा था 6x9, 6x8 रखा था, अब मैं 9 रख रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है। तो यहाँ से इसको मार्जिन को सेट कर लो, मार्जिन सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आपका काम गलत ना हो। अब इस पर क्योंकि मेरा मार्जिन का कोई काम नहीं है, हमारा काम बिल्कुल बन चुकी है, तो ये हमने इस तरीके से इसको हटा दिया। अब यहाँ पे जो हमारा काम रह गया वो रह गया टेक्स्ट एडिटिंग का, ये वाला इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। अब रह गया टेक्स्ट एडिटिंग का, ये वाला पकड़ो और यहाँ पे जो भी तुम्हें टेक्स्ट अच्छा लगता है वो टेक्स्ट ले लो, क्लिक किया, ठीक है, देख लो यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट अच्छा लगता है। मैं ये वाला टेक्स्ट ले रहा हूं, सब लोग एक दूसरे के सेंटर में और इस पूरे को इसके सेंटर में सीधा आके सेंटर कर देंगे, ठीक है, इस तरह से यहां पे भी, ठीक है, और बाकी आपका बिल बुक तैयार हो गया। मैं आपको जूम करके इसको दिखा देता हूं, ये देखो F9, तो आप देखोगे ये बिल बुक आपकी तैयार हो गई। अब इसमें आपको कोई कलर देना है या कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे ये लिया कलर दे देंगे इस तरीके से, इसको थोड़ा बड़ा करना है आप बड़ा कर लो यहाँ पे, ये देखो, तो ये आपका इस तरीके से तैयार हो गया। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसके अंदर फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर में, थम्स अप कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे आपको ये वीडियो कैसी लगी। दूसरा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सके। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, हमेशा मेरी वीडियोस को देखने के लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू।